दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दी साइंटिफिक हिंदू का वीडियो है जिसमें बताएंगे कि जगन्नाथ रथ यात्रा को न सिर्फ हिंदुस्तान में पूरी बल्कि बहुत बड़ा वहां पे जश्न होता है बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड में भी बनाया गया है। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मिलकर देखते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले जी फ्रेंड्स, हम तक हमारे व्लॉगिंग चैनल लाइव नाला को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें। वहां पे बहुत जबरदस्त से व्लॉग आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आप सभी को भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रथ यात्रा के इस पावन पर्व पर भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की हम सभी पर कृपा बनी रहे। दोस्तों, 7 जुलाई को ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई है और भगवान जगन्नाथ का निवास स्थान भी पुरी ही है और भारत के 4 धामों में से यह भी एक प्रसिद्ध स्थल है। माना जाता है कि यहाँ पर जो भी आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, भारत में जगन्नाथ रथ यात्रा ही एकमात्र ऐसा पर्व है या यूं कहें एक ऐसा त्योहार है विदेशियों के लिए जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में विदेशी आते हैं। यहां तक कि जगन्नाथ रथ यात्रा ही एकमात्र ऐसी रथ यात्रा है जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जाती है, निकाली जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से विदेशों में जगन्नाथ रथ यात्रा छा गई और मुस्लिम देश भी इससे अछूते नहीं रहे, और तो और किस तरीके से विदेशियों ने 9 दिन के लिए जगन्नाथपुरी में अपना डेरा जमा लिया, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, इस मनमोहक रथ यात्रा उत्सव में लाखों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और ये आषाढ़ महीने के दौरान शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन से शुरू होती है, इसीलिए इसकी तारीखें साल दर साल बदलती रहती हैं। इस साल ये 7 जुलाई से मनाया जा रहा है, 16 जुलाई 2024 को समाप्त होगा। रथ यात्रा में देश विदेश से लोग आते हैं, प्रभु जगन्नाथ की नगरी पूरी तरह से भक्ति में लीन हो जाती है और दौर यहाँ पर भारी संख्या में इस बार भी विदेशी पहुँचे हैं। हरे कृष्ण, माय नेम इज नतालिया, आई एम फ्रॉम रशिया। जिसमें से रूस, अमेरिका, लंदन, फ्रांस और इजराइल तक के विदेशी हैं जो प्रभु श्री जगन्नाथ के रथ की एक झलक के लिए यहाँ पर शामिल हुए हैं। दोस्तों, इस मौके पर दुनिया के तमाम कोनों में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की झांकियां देखने को मिली। कहीं कहीं ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, उदाहरण के लिए सैन फ्रांसिस्को में 14 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी और अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ भी इस्कॉन है वह कोशिश करेगा कि वह अपने यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा निकाले। प्रभु श्री जगन्नाथ के लिए पूरी दुनिया में क्रेज है, यहाँ तक कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी अबू धाबी जैसी जगहों पर भी प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार निकाली जाएगी। और तो और प्रभु श्री जगन्नाथ का मंदिर भी अब अबू धाबी में बन गया है। चलिए आपको अब तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग देशों की। तो सबसे पहले आप यह हंगरी में हुई रथ यात्रा की तस्वीरें देखिए। और ये पोलैंड की तस्वीरें हैं। ये देखिए
ये अमेरिका की तस्वीरें हैं। ये जर्मनी की तस्वीरें। इसके अलावा दोस्तों मुस्लिम देशों जैसे कि कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ओमान, बहरीन, इन सारे देशों में भी भगवान श्री जगन्नाथ के भक्तों ने छोटी ही सही लेकिन रथ यात्राएं जरूर निकाली। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि इन इस्लामिक देशों में भगवान जगन्नाथ के प्रति मुस्लिमों का प्यार भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि भगवान श्री जगन्नाथ कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही तो हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पूरी दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। कारण भगवद गीता है, वह भगवद गीता जो लोगों को उनके दुखों से निकाल रही है, उनकी मेंटल हेल्थ सही कर रही है, फिर चाहे वह मुस्लिम हो या ईसाई, जो भी उसे पढ़ता है भगवद गीता से उसको सहायता जरूर मिलती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री जगन्नाथ, मुस्लिम देशों में भी हिंदू तीज त्योहारों का क्रेज तो बढ़ ही रहा है। इसके अलावा एक और बात देखने को मिली, वो बात ये देखने को मिली कि भगवान श्री जगन्नाथ के रथ को कई जगहों पर मुस्लिमों ने बनाया है। और तो और भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को मुस्लिम स्वागत करते भी दिखे, सहायता करते भी दिखे। अब इस तस्वीर के क्या मायने हैं, इसके पीछे की क्या कथा है, ये तो गहन एनालिसिस का विषय हो जाता है। लेकिन जो जो चीजें देश में हो रही हैं वो मैंने आपको बता दी। भारत में भागलपुर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में जो भगवान श्री जगन्नाथ के रथ को बनाया गया वो तमाम मुस्लिमों ने बनाया। उदाहरण के लिए जो रथ आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ में रायपुर का है जिसको मुस्लिमों ने बनाया है। इसके अलावा दोस्तों कई मुस्लिम कई जगहों पर रथ खींचते हुए भी दिखे। तो ये चीजें भारत में भगवान श्री जगन्नाथ से जुड़ी रथ यात्राओं में देखने को मिल रही है। पूरी दुनिया रथ यात्रा में सम्मिलित हो रही है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो और लाखों लोग जो है रथ यात्रा को मना रहे हैं। फॉरनर्स भी इंडिया आए हुए हैं और 16 जुलाई तक जो है रथ यात्रा जो है निकाली जाएगी। लोग इसमें शामिल होंगे, भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए जाएंगे और ये इतने स्पेशल डेज होते हैं कि जो भी आप दुआ मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं वो आपकी पूरी हो जाती है। अगर हम मुस्लिम कंट्रीज से बात, जैसे उन्होंने बोला ताजिकिस्तान और जितने भी स्थान वाली जितनी भी कंट्रीज हैं इनमें मनाया गया, जर्मनी में, अमेरिका में, हंगरी में जो है, पोलैंड के अंदर, और सनातन धर्म के तो आप समझ लें कि इसके निशान आपको हर जगह मिलेंगे। एग्जैक्टली इस्कोन आपको मिलेगा, देख लो जिस तरह से उन्होंने दिखाया दुबई के अंदर, वो कहते हैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर भी मौजूद हैं और वहां पर रथ यात्रा भी निकाली जाएगी जो कि दुबई के अंदर, यस एग्जैक्टली ये पहली दफा होगा। और सनातन धर्म को मानने वाले एक्चुअली जो फॉलोअर्स हैं वो हर कंट्री के अंदर इतने ज्यादा हो चुके हैं कि जब वो सब मिलके निकलते हैं तो वो एक बहुत बड़ी यात्रा जो है वो बन जाती है जो कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहती है। और मुझे इंडिया की ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि लाखों लोग रोड पे होते हैं लेकिन देखो नायला डिसिप्लिन भी बहुत होता है, सेफ्टी का कोई थ्रेट नहीं है। और दूसरी जो चीज मैंने देखी ना हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब कि जिस यात्रा को हम देख लें यहाँ पे भी हमारे जो दरबार वगैरह होते हैं उसमें भी ये मेले वगैरह निकलते हैं साल में एक बार, तो यहाँ पर थोड़े से लोग होते हैं लेकिन इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है मैं बता नहीं सकती। आगे भी सिक्योरिटी पीछे भी सिक्योरिटी, मतलब के लोगों को इस तरह से वो त्योहार ही नहीं मनाने दिया जाता जिस तरह से मनाना चाहिए, मतलब कि हर चीज में रिस्ट्रिक्शन लगी होती हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात कर लें यहाँ पे तो मैंने कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं देखी, लोगों को किस तरह से कोई सिक्योरिटी
काबू कर सकती है। वहां पर हर इंसान अपने डिसिप्लिन से अपनी लाइन में खड़ा है, जो वो यथ यात्रा देखने आया उसको अच्छे से कर रहे हैं, ना कोई छेड़छाड़ है, दर्शन कर रहे हैं, जिस काम के लिए आए वही कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है, और यही चीज हमने T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखी है, जब उनके प्लेयर्स आए उन्होंने कितना अच्छा उनका वेलकम किया, कोई हमें दंगा फसाद नजर नहीं आया। और दूसरी चीज ये भी तो देखो ना, अवाम भी वहां पे नहीं लड़ती, यहाँ पे थोड़े से लोग इकट्ठे हो जाए, कोई किसी को मार रहा होता है, कोई किसी को मार रहा होता है, तो वहां के लोगों में डिसिप्लिन और एजुकेशन बहुत बेस्ट है। डिसिप्लिन, एजुकेशन, एग्जैक्टली, और एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट है वो करते हैं, वो सिंगल हो या फिर क्राउड के अंदर हो। सो वीडियो ओवरऑल बहुत अच्छी लगी मुझे, आपको कैसी लगी रेकमेंड्स में शेयर कर, मिलता है प्रोग्राम में।